गुड मॉर्निंग, जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्जाम टॉपर्स। स्वागत है आप सभी का हमारे द एग्जाम टॉपर्स परिवार में। आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर के प्रश्नों की सीरीज में हम डेली महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं और आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षा, फिर चाहे आपकी आरआरबी हो, एसएससी हो, आईबी हो या स्टेट की जितनी भी एग्जाम्स होती हैं वो हों, सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि जीके के क्वेश्चनों का कोई दायरा नहीं होता है। यह तो एक ऐसा गहरा सागर है जिसमें आप जितने डुबकी लगाएंगे उतनी गहराई मिलती जाएगी। तो आगे बढ़ने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, एक राज्य का राज्यपाल या कहें सीधा सीधा राज्यपाल अपने कृत्य के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्यपाल अपने कृत्य के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राष्ट्रपति के प्रति वह उत्तरदायी होता है। माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली महिला का नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली महिला का नाम जुनको तेवई है। क्या नाम है? जुनको तेवई, जिन्होंने 16 मई 1975 को यह किताब हासिल किया था। वर्ष 1987 में भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम विदेशी व्यक्ति का नाम बताना है। जैसा कि आपको ये तो बता दिया है कि कब सम्मानित किया गया था, भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम विदेशी व्यक्ति का नाम क्या है और कब किया गया था, तो 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खां को सम्मानित किया गया था भारत रत्न से, और यही पहले विदेशी थे जो कि पाकिस्तान के थे। इंद्रधनुष के मध्य में कौन सा रंग होता है? जैसा कि हम सभी ने अक्सर बारिश के मौसम में खुले आकाश में इंद्रधनुष को बनते हुए कई बार देखा है, उसमें मध्य में कौन सा रंग होता है? तो मध्य में हरा रंग होता है, और इसे याद करने का बेहद शानदार तरीका है बेजानी हफी नाला, बेजानी हफी नाला। ये सातों रंग के पहले पहले वर्ण हैं जिनके द्वारा आप सात रंगों को याद रख सकते हैं। किस रंग का तरंग धैर्य सर्वाधिक होता है? आपको बताना है कि किस रंग का तरंग धैर्य सर्वाधिक होता है, सबसे अधिक होता है, तो लाल रंग का सबसे ज़्यादा तरंग धैर्य होता है। सूर्य के प्रकाश को सकेंद्रित करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? सूर्य के प्रकाश को सकेंद्रित करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब बात आता है नेक्स्ट, काफ़ी महत्वपूर्ण और ऐसा क्वेश्चन है जिसकी जानकारी हम सभी को होना चाहिए। मोबाइल सिम कार्ड में हम अक्सर सिम तो डालते ही हैं क्योंकि बिना सिम कार्ड का तो मोबाइल कोई चलाता ही नहीं है, और इंडिया की बात करें तो सबसे बड़ा मोबाइल उपभोक्ता करने वाला दूसरे नंबर का देश है, जहाँ पर बच्चे बच्चे के पास अक्सर मोबाइल देखने को मिल ही जाता है, तो उसमें एक सिम डाली जाती है जिसके द्वारा हम सभी कॉलिंग करते हैं। तो क्या आप सभी को पता है कि उस सिम का SIM का फुल फॉर्म क्या होता है? नहीं पता है तो हम बताते हैं कि सिम का फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। क्या होता है? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, यह सिम का फुल फॉर्म होता है, आप सभी को याद रखना है। रोम को विश्व का कौन सा शहर कहा जाता है, या कहें विश्व का अपरिवर्तनीय शहर किसको कहा जाता है? तो रोम को विश्व का अपरिवर्तनीय शहर कहा जाता है। नेशनल डिफेंस एकेडमी NDA, नेशनल डिफेंस एकेडमी का मुख्यालय कहाँ है? खड़गवासला में है। कहाँ पर है नेशनल डिफेंस एकेडमी का मुख्यालय? खड़गवासला में स्थित है। खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? तो खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? सिख धर्म के प्रमुख गुरु, गुरु गोविंद साहब या गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ के संस्थापक रहे हैं। पुरुषों में रक्त क्षीणता या जिसे एनीमिया भी कहा जाता है, पुरुषों में एनीमिया किस विटामिन की कमी से होता है? तो B12 की कमी से पुरुषों में रक्त क्षीणता अर्थात एनीमिया होता है। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी कौन सी थी? महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी लाहौर थी। कुष्ठ रोग किसके कारण होता है? तो कुष्ठ रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होता है। यह आपसे ऑप्शन पूछा सकता है, कुष्ठ रोग जीवाणु के द्वारा होता है, विषाणु के द्वारा होता है, फंगस के द्वारा होता है, इनमें से कोई नहीं। तो कुष्ठ रोग किसके? जीवाणुओं के संक्रमण के द्वारा होता है। नेक्स्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है, भुगतान संतुलन शब्द, भुगतान संतुलन शब्द आयात तथा निर्यात के मध्य अंतर को संदर्भित करता है। भुगतान संतुलन शब्द किसके मध्य अंतर को संदर्भित करता है? आयात और निर्यात के बारे में यह बताता है। खाद्य संसाधन एवं संचय द्वारा किस विटामिन को अधिकांश रूप से प्रभावित होता है? तो खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा विटामिन सी अधिकांश रूप से प्रभावित होता है। कौन सा? विटामिन सी।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे IMF कहा जाता है। इसका प्रमुख कार्य होता है सदस्य देशों की भुगतान संतुलन समस्याओं में सहायता करना। IMF का प्रमुख कार्य क्या होता है? सदस्य देशों की भुगतान संतुलन समस्याओं में सहायता करना। नेक्स्ट है Y2K समस्या संबंधित है। आपको बताना है कि Y2K समस्या किससे संबंधित है, तो Y2K समस्या कंप्यूटर से संबंधित है। ISO सर्टिफाइड, हम सभी जानते हैं ISO में आगे कुछ नंबर्स लिखे होते हैं, तो उसी क्रम में ISO 9000 किसका मानक है? ISO 9000 किसका मानक है? अच्छे प्रबंध का मानक है, जहां पर अच्छे तरीके से प्रबंधन किया जाता है उसका मानक है। गोल्ड लेक टेनिस प्रतियोगिता, यह किस खेल में सम्मिलित नहीं है? गोल्ड लेक टेनिस प्रतियोगिता ग्रैंड स्लैम में सम्मिलित नहीं है। किस में नहीं है? ग्रैंड स्लैम में सम्मिलित नहीं है। जल सतह की अधिकतम गहराई किस महासागर में तब स्थित है, या कहें जल सतह की अधिकतम गहराई मेरियाना ट्रेंच में है, तो यह किस महासागर में स्थित है, या किस में? प्रशांत महासागर में स्थित है मेरियाना गर्त। डाउन अंडर पद किस देश को इंगित करता है? डाउन अंडर पद किस देश को इंगित करता है? ऑस्ट्रेलिया को करता है। एशिया का प्राचीन व विशालतम बौद्ध मठ कहाँ पर स्थित है? एशिया का प्राचीन तथा विशालतम बौद्ध मठ तिब्बत में स्थित ल्हासा नामक स्थान पर है। परम शब्द किससे संबंधित है? कंप्यूटर से। परम है, यह एक पद दिया गया था, या कहें एक औहदा है, कंप्यूटर का एक सीढ़ी है, या उसका एक जो सीरीज आती है उस क्रम का एक महत्वपूर्ण है, कौन सा? परम, जो कि कंप्यूटर से संबंधित है। चौथा खंबा या फोर्थ स्तंभ देश का किसे माना गया है? फोर्थ स्तंभ किसे कहा गया है देश में? प्रेस। प्रेस कौन सा? कपड़े करने वाली प्रेस नहीं, प्रेस मीडिया, जो हम न्यूज़ देखते हैं, टेलीविज़न देखते हैं, समाचार पत्र पत्रिकाएं होती हैं, इसे देश का चौथा स्तंभ कहा गया है। सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है कौन? ओजोन। ओजोन सूर्य की पराबैंगनी किरणों को धरती पर, पृथ्वी पर आने से रोकती है। CRY एक ऐसा संगठन है जो बहिष्कृत बच्चों के कल्याण से संबंधित है। CRY एक ऐसा संगठन है जो बहिष्कृत बच्चों के कल्याण से संबंधित है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भौतिक सुविधाओं को प्रदान करने के लिए चालू किया गया था, तो यह किन के लिए चालू किया गया था? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्रौढ़ शिक्षा को, अर्थात जो वृद्ध जिन्हें हम कह सकते हैं, यह एक ऐसी आजादी, उसके बाद जब व्यक्ति स्कूल नहीं जाना पाता है तो उनके लिए ऐसी व्यवस्था की गई थी शिक्षा के लिए, जिसे प्रौढ़ शिक्षा कहा गया था, जो कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत प्रदान की गई थी, जिसमें भौतिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए चालू किया गया था। और अंतिम प्रश्न है, हैदराबाद किस नदी के तट पर बसा है? हैदराबाद किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो हैदराबाद मूसी नदी के किनारे पर स्थित है। तो यह थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिनके बारे में हमने चर्चा की। आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।